कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव पदस्थ होने के बाद ही बड़ी चोरियों का खुलासा लगातार जारी। चोरों के अपराधों पर नकेल कसी। कुक्षी में मोटर बैंडिंग दुकान में चोरी करने वाले गैंग कुक्षी पुलिस की गिरफ्त में। चार आरोपी गिरफ्तार, जिसमें चोरी का माल खरीदने वाला भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 800 फीट मोटर वायर व केवल कटर कीमती 50,000 रुपए का माल बरामद। अपराध क्रमांक 585/2023 धारा 457-380 411 भादवी में आरोपी विजय उर्फ टिंडा पिता पंगालिया बामनिया जाति भील उम्र 20 साल राहुल पिता मुन्ना उर्फ राजू कोदर जाति बारेला उम्र 19 साल शेखर पिता जग्गू बामनिया जाति भील उम्र 20 साल सभी निवासी कोली मोहल्ला कुक्षी के साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले शंकरलाल पिता मंगाजी पाटीदार उम्र 57 साल पटेल मार्ग कुक्षी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार इंद्रजीत बाकरवाल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की थी। टीम के लगातार प्रयास के दौरान मुखबिर के माध्यम से एक तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में 3 लोग शामिल हो सकते हैं। इस आधार पर संदिग्ध विजय उर्फ टिंडा राहुल कोदार ज्योति बारेला शेखर बामनिया सभी निवासी कोली मोहल्ला कुक्षी की तलाश की गई थी, जो अपने घर पर नहीं मिले। व बताया गया है कि यह तीनों 2-3 दिन से फरार हैं। जो पुलिस ने लगातार पतारसी के प्रयास किए तो उनका दाहोद और अलीराजपुर में होना पता चला। इस पर पुलिस की टीम ने तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को दाहोद अलीराजपुर से पकड़कर थाने लेकर आई व उनसे सख्ती से पूछताछ की। प्रारंभ में वे पुलिस को गुमराह करते रहे, फिर पुलिस ने उनसे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी गणों से अन्य मामलों में पूछताछ कर न्यायालय कुक्षी पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई राजेश यादव उप निरीक्षक निरीक्षक संतोष पाटीदार विजय वास्कले प्रधान आरक्षक प्रमोद डागा आरक्षक प्रदीप डावर का विशेष योगदान रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा टीम को पुष्कत्र करने की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट सीआईडी न्यूज धार। देखिए ये 21 अगस्त 2023 को मेहुल पाटीदार इनकी तलावड़ी रोड पर एक मोटर बाइंडिंग की दुकान है। इन्होंने थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये दुकान बंद करके रोजाना की तरह अपने घर गए थे। जब सुबह आकर इन्होंने देखा तो जो दुकान है दुकान के ऊपर की जो छत है वो कटी हुई थी और वहाँ से कुछ अज्ञात चोरों ने घुस के यहाँ से करीब 800 फीट केबल वायर जो कॉपर का वायर था वो चोरी कर लिया है। करीब 50,000 रुपये कीमत का माल था। इस पर से थाना कुक्षी में एक नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। SP श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था और उन्होंने एक टीम गठित की थी जो टीम के द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण की पूरी विवेचना की गई। और जब विवेचना के दौरान जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे, जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया, मुखबिर सूचना के आधार पर मालूम पड़ा कि इस पूरी वारदात में जो शेखर राहुल और विजय नाम के 3 लड़के हैं जो कोली मोहल्ले के रहने वाले हैं, इन्हें इसमें शामिल है। इस आधार पर शेखर राहुल और विजय को जो है अलीराजपुर के पास से जब पकड़ कर इनसे जब पूरी पूछताछ की गई तो प्रारंभ में घटना से इनकार करते रहे, लेकिन फिर आखिरी अंततः इनने घटना करना स्वीकार किया है और इन्होंने जो माल था जो कॉपर वायर था वो इनसे बरामद हुआ है। कुछ माल इन्होंने शंकर पाटीदार निवासी कुक्षी इनकी भी जो शंकर पाटीदार को बेचना बताया था, इस आधार पर शंकर पाटीदार को भी धारा 411 के तहत मुजरिम बनाया गया है। और इस प्रकार से ये चारों आरोपी जो है शेखर राहुल विजय और शंकरलाल पाटीदार इनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है।